उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला ने ठगी के आरोप में बीजेपी नेता की पिटाई कर दी। महिला का आरोप है कि उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर बीजेपी नेता उत्तम वर्मा ने करीब 1.5 साल पहले उससे 1,75,000 रुपए लिए थे, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही बीजेपी नेता ने पैसे वापस किए। इससे गुस्साई महिला ने त्रिवेदीगंज ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा को बीच सड़क पर घेर लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि बीजेपी नेता मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी उस महिला ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह हंगामा यही नहीं थमा, उसने बीजेपी नेता को पीटने के लिए चप्पल भी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने वो चप्पल उनकी तरफ फेंकी वो वहां से चले गए। उत्तम भैया हमारे साथ ही सरकार में रह कर हमका पालते में राख कर हमारे साथ ही बर्बाद कई दिन हमका। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें महिला और बीजेपी नेता की आवाज सुनाई दी। पैसा ना दे। ठगी का आरोप लगने के बाद उत्तम वर्मा सामने आया और इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया। किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस को इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर उत्तम वर्मा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सौभाग्य की बात यह कि बाराबंकी का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता और उन पर चप्पल चलाने वाली महिला दोनों ने थाने में शिकायत दी, जिसमें बीजेपी नेता ने यह तो माना कि उन्होंने महिला से 2.25 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन उनका दावा है कि ये रुपए उन्होंने उधार के तौर पर लिए थे, जिसमें 1,35,000 वो कैश लौटा चुके हैं, जबकि महिला का आरोप है कि बीजेपी नेता ने नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लिए थे और वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। टिकरी बॉर्डर पर जारी आंदोलन में